अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको भी जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो परेशानी की कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपने लिए जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लेकिन कोई भाई ऐसे हैं जो अभी तक अपने लिए जीमेल का अकाउंट नहीं बना सकते, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने लिए जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपल, यहाँ मैं अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। हर मोबाइल की सेटिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं। तो सिंपल, यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करें, आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एक, यूज़र्स एंड अकाउंट्स। किसी मोबाइल में अगर कोई ओल्ड वेरिएंट का मोबाइल है तो सिंपल अकाउंट्स भी लिखा हुआ हो सकता है, यूज़र्स एंड अकाउंट्स इसी तरह कुछ भी लिखा होगा। तो सिंपल यहाँ आप इस पे क्लिक करें, देखते हैं कि नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड अकाउंट का। तो सिंपल यहाँ आप ऐड अकाउंट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपको गूगल का अकाउंट क्रिएट करना है, तो सिंपल यहाँ पर गूगल को सेलेक्ट करें। अगर आपको ये सेटिंग में ऑप्शन नहीं मिल रहे तो सिंपल आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ भी ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। सिंपल जहाँ से भी आप अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी सिक्योरिटी को वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है ईमेल और फ़ोन। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से आप वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैंने नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ माई सेल्फ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का कोई भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वैसे ही कोई भी नाम लिख देता हूँ। यहाँ लास्ट नेम भी आप लिख दें। अगर आप मिसाल मेरा नाम जैसे इशफाक हुसैन है तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम में लिखें इशफाक और सेकंड में हुसैन लिखें। इस तरह आपने नहीं लिखना, इशफाक हुसैन ऊपर में भी लिख दें और नीचे में भी लिख दें। इस तरह आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो सिंपल यहाँ मैंने ये आप देख सकते हैं नाम लिख दिया है। तो अभी यहाँ मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी एग्जैक्ट डेट है ऑफ बर्थ है वही आप एंटर करें। तो यहाँ मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यार जेंडर में मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये खुद से ही आपको कुछ आईडी बना के यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपने आपको ये आईडी पसंद नहीं है तो सिंपल यहाँ आप क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप जो भी ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए अपने नाम का या जो भी वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और @gmail.com आप देख सकते हैं आगे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर वो ईमेल एड्रेस किसी और ने यूज़ कर लिया होगा तो वो यहाँ पे नीचे शो कर देगा कि ये एड्रेस आप नहीं ले सकते। तो सिंपल यहाँ से मैं पहले वाला कोई एड्रेस ले लेता हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे पार्टनर करने का कह रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है पासवर्ड एंटर कर देता हूँ अपने अकाउंट का, ये मेरे अकाउंट का पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने अकाउंट का वो पासवर्ड लगा दिया है। अभी मुझे ऐड फ़ोन नंबर का कह रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई फ़ोन नंबर वगैरह एंटर नहीं करूँगा और सिंपल यस आई एम एन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। वहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी जो है यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे सिंपल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाए और यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये अकाउंट बन चुका है। तो सिंपल यहाँ मैं देखें गूगल में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी अकाउंट थे वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये लास्ट वाला आप देखें optiplex0@gmail.com जो मैंने अभी नया नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ से ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने लिए जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेसबुक पे शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।